Beckham cuts it through the offside and fittingly gets Pakistan over the line. A resounding test match victory for Pakistan. It's been this man in the first innings with 100 of note. बाबर आजम बतौर टेस्ट कप्तान पहले इम्तिहान में कामयाब। पाकिस्तान ने कराची टेस्ट जीत लिया। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 88 रन का आसान हदफ दिया, जो पाकिस्तान ने 3 विकेट्स के नुकसान पर हासिल कर लिया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 220 रन बनाए, जिसके जवाब में पाकिस्तानी टीम फवाद आलम की सेंचुरी की बदौलत 378 रन बनाने में कामयाब रही और यूं मेजबान टीम को 158 रन की बढ़तरी हासिल हुई, जिसके जवाब में मेहमान टीम 245 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इसराइली सफारत खाने के करीब धमाका। भारतीय मीडिया इंडिया टुडे के मुताबिक धमाके की नोयत के बारे में मालूमात ली जा रही हैं। धमाके में ताहाल किसी जाने नुकसान की इतला नहीं मिली, ताहम मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली की पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। धमाके वाली जगह को खाली करवाकर सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात कर दिया गया है। बारूदी मवाद फुटपाथ के नीचे छुपाया गया था। RSS के गुंडों का मुजाहिरीन पर हमला, किसानों का वापस जाने से इनकार। भारतीय पुलिस किसान मुजाहिरीन का धरना खत्म करवाने में नाकाम हो गई तो मोदी सरकार ने गुंडे मैदान में उतार दिए। मकामी अफराद के भेस में RSS के गुंडों ने मुतद्दद मकामात पर मुजाहिरीन पर हमला किया। गुंडे गद्दारों को गोली मारो के नारे भी लगाते रहे। तफसीलात के मुताबिक पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर भरोसा खत्म हो गया तो मोदी सरकार ने अहम काम के लिए गुंडों की मदद हासिल कर ली। गुज़िश्ता रात नई दिल्ली के बाहर मुख्तलिफ मकामात पर धरना दिए बैठे किसानों को बार बार एहतजाज खत्म करने की वार्निंग दी गई। किसान रहनुमाओं ने जालमाना कवानीन खत्म किए बगैर वापस जाने से इनकार कर दिया। दिन चढ़ते ही RSS के गुंडों को मकामी अफराद के भेस में मैदान में उतारा गया, जो गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाते जलसा गांव में दाखिल हुए। RSS के गुंडों ने किसानों के खेमे उखाड़ दिए, मुजाहिरीन को डंडों के जोर पर मुंतशिर करने की कोशिश की। लीजिंग रकम अदायगी पर मलेशिया में रोका गया। PIA का तैयारा वतन वापस पहुंच गया। PIA का बोइंग 777 तैयारा कुआलालंपुर से पाकिस्तान पहुंचा। तैयारे पर 173 मुसाफिर सवार थे। ये तैयारा 2 रोज कबल मामला हल होने पर PIA के हवाले किया गया था। क्लियरेंस मिलने पर PIA अमला जहाज वापस लाने के लिए उसी रोज मलेशिया पहुंचा था। मलेशियन हुकाम ने तैयारे को 2 हफ्ते कबल लीज के वाजिबात अदा न करने के सबब जब्त किया था। ज़राए के मुताबिक लीज की रकम तकरीबन $14 मिलियन है। दूसरी जानिब PIA की जानिब से यह रद्देबल सामने आया है कि मामला बरतानवी अदालत में जेर समात है। तैयारे को कब्जे में लेना नाकाबिले कबूल इकदाम है।